प्रदेश भर में 18 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित कार्यक्रमों का समापन किया गया। वहीं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मंडी द्वारा विस्को रिजॉर्ट मंडी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम मंडी श्रवण मांडा मुख्य रूप से उपस्थित हुए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा वाहन चालकों को कई तरह की सहूलियत ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है और सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उचित कदम भी प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं। वहीं श्रवण मांडा ने बताया कि जागरूकता अभियान के दौरान सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और वे सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जिस तरह जागरूकता अभियान के दौरान सभी लोगों को जागरूक किया गया है, वे सभी यातायात नियमों की पालना करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मंत्रालय की ओर से चलाया गया इसका आज क्लोजिंग यहाँ पे मेरे साथ उपस्थित आरटीओ साहब, एआरटीओ साहब और जितने भी प्रबुद्ध पत्रकार मंडी के हैं, इसमें किया गया। थोड़ा सा मैं शुरू में ये कहूँगा कि जो रोड एक्सीडेंट है, ये जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें एक डिजास्टर की परिभाषा में नहीं आता है। नेशनल लेवल के जो एक्ट है उसको रोड एक्सीडेंट को डिजास्टर नहीं मानते, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको जो है स्टेट लेवल एक डिजास्टर माना है और इसलिए जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो डिजास्टर के हमारे सारे कानून इस पर जो है लागू होते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह में मैं जाऊँगा, एक बड़ा शॉकिंग रेवलेशन ये होता है कि जितने भी पहाड़ी राज्यां हैं उसमें जो कैजुअलिटी, जो डेथ्स जो है रोड एक्सीडेंट से, वो हिमाचल की पूरे पूरे देश में हाईएस्ट है। भले ही रोड एक्सीडेंट्स में कुछ बड़े पर्वतीय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा है, परंतु जो डेथ रेट है वो हिमाचल का हाईएस्ट है। तो मरने वाले जो ऑन एवरेज हिमाचल में जो रोड एक्सीडेंट्स है वो हमेशा आंकड़ा हमारा 1100-1300 टच करता है हर साल। तो हमारा शायद इससे बड़ा कोई स्टेट में और अन्य कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मौत जो है स्टेट में होती होगी। कोरोना की वजह से इतनी मौत जो है पूरी एक साल में हुई है, तो आप देखिए कि जब कोरोना इतनी मौत हुई तो इतना एक हवा समाज में हो गया कि हम लॉकडाउन तक चले गए और अभी तक भी उसे उभर नहीं पा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए, जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है डेथ की, उसके लिए हमने अभी भी मास्क पहने हैं, पर रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए हम जो क्या करते हैं, तो इन ऐसे विषयों को लेकर जो है पूरे महीने भर जो है ये एक काफ़ी चर्चा इसमें रही। भारत सरकार के लेवल पे जो है काफ़ी ज़्यादा मंत्रालय ने पिछले 5-6 सालों में इसमें काम किया है और इसमें 2 स्तरों पर काम हुआ है। एक स्तर तो ये था कि क्यों ना लोगों को पेनलाइज किया जाए, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जो है प्रावधान बदलेंगे और जो पिनल प्रोविजन है उसमें कई गुणा बढ़ोतरी की गई। जो पहले चलान हमारा 1000 रुपये का होता था उसको सीधा ही 5000 तक ले गया, मिनिमम चलान अगर हमारा 1000 रुपये का होता है। तो साथ ही साथ जो है ये देखा गया कि अब जितना मर्जी पेनलाइज करो, एक जैसा आरटीओ साहब ने भी कहा कि लोगों को सज़ा देना जो है उस क्राइम को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है, तो एक समाज में भी जो है उसको लेकर जागरूकता होनी चाहिए। पिछली दफ़ा ही मैंने ये कार्यक्रम मैंने था तो उसमें यही कहा था कि ये फैक्ट हमें एडमिट करना पड़ेगा कि हम लोगों को भी जो रोज़ गाड़ी खुद भी चलाते हैं या गाड़ियों में चलते हैं, हमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ को लेके हमें भी जो है मालूम नहीं होती है, और हम कुछ लोग इंटेंशनली और कुछ बाई इग्नोरेंस जो है हम ऐसी गलतियाँ करते हैं। और जैसा कि देखा गया कि रोड एक्सीडेंट्स में जो अभी आपके साथ में डेटा शेयर कर रहा था, तो मेजॉरिटी जो इसमें डेथ्स हैं वो जो है लाइट मोटर व्हीकल जो व्हीकल्स हैं उनमें हुई है। इसीलिए ऑटोमेटिकली हमारा ये कहना करीब 100 के करीब हमारी ऐसी डेथ्स होती है जो बस एक्सीडेंट्स में जो है साल में होती है, परंतु 1000 के करीब जो डेथ्स हैं हमारी वो लाइट मोटर व्हीकल और आपके मोटरसाइकिल्स में होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट कैपेसिटी में हम लोग जो ड्राइविंग करते हैं वो सबसे बड़ा कारण है। इसमें भी करीब 85-90% डेथ्स में जितने लोग मरते हैं वो सारे मर्द होते हैं और महिलाएं इसमें जो है करीब 10-12% ही महिलाएँ होती हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पुरुष लोग ही ज़्यादा जो है चलाते हैं, परंतु ये हमें देखना पड़ेगा कि काफ़ी जो और दूसरे अगर साइड हम कारण में जाएँ तो इसके दूसरे बड़े कारण हैं ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग। इन्हीं विषयों को लेकर काफ़ी अच्छा एक पूरे महीने भर का कंपेन चला रहा, क्योंकि समाज में जब तक जो है जागरूकता नहीं होगी, जैसे कि आज कोरोना से बचने के लिए तो हमने एक मास्क लगाया है जिसमें कि डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, परंतु रोड बाइक चलाते हुए हमारे साथ ही साथ एक रिफॉर्म जो है एक जो है जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट का एक महकमा है और एक वर्किंग है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, इसमें जो है एक रिफॉर्मेटिव सी अप्रोच जो है डेवलप हुई है। आज के साथ बड़े
विस्तृत जानकारी हुई, ई परिवहन व्यवस्था लागू की गई है और हिमाचल इसमें पहला एक राज्य बना था जिसने ई परिवहन व्यवस्था जो है लागू की गई। डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन व्हीकल की शुरू की गई कि आप गाड़ी जहाँ से लेंगे वहीं आपकी गाड़ी रजिस्टर होगी। आपके अब ऑनलाइन आप जो है सारी सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस तरह का। और आने वाले समय में एक ऐसी भी मतलब एक व्यवस्था के बारे में सोचा जा रहा है कि आपका जितना कम इसमें जो है मैनुअल इंटरवेंशन हो, खासकर लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसमें, कि हर जिले में कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो है आपके टेस्टिंग स्टेशन बने जिसमें कि आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जब आप टेस्ट देंगे कि आप फेल हो गए हैं पास हो गए, वो मशीनों के माध्यम से ही होगा। इस तरह की रिफॉर्मेटिव अप्रोच भी जो है इस विभाग पर जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है धीरे धीरे जो है लाई जा रही है। इतने बड़े स्तर पर जो है ये कार्यक्रम हो रहे हैं कि पूरे महीने भर के कंप्लेन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक साल या एक दो साल में ही पूरा ये सिलाई को बदल पाएंगे, परंतु इस सेक्टर की ओर गवर्नमेंट का अब जो है अब काफ़ी ध्यान गया है क्योंकि बेशकीमती जो है हमारी ज़िंदगी जो है साल में सबसे ज़्यादा अगर हम हिमाचल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें जो है पूरे हिमाचल में रोड एक्सीडेंट से हुई हैं। तो इसमें भागीदारी हम सबकी जरूरी है, तो इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम में हम देखेंगे कि प्रेस से भी आज हम जो है आप लोगों के माध्यम से भी जनता तक कोशिश कर रहे हैं कि संदेश पहुंचे, उसी तरह पंचायती राज संस्थाओं को लेके, उसी तरह जो ड्राइवर्स हैं हमारे कमर्शियल व्हीकल के उनके आई टेस्टिंग को लेके, और उसके बाद अलग अलग जगह जनमंच में कार्यक्रम किए गए। तो एक पूरा एक विस्तृत जो रूपरेखा यहाँ पर पूरे कार्यक्रम जो हुए अभी तक आपके सामने रखे, तो ये एक सफल कैंपेन रहा है। और आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी जो है जो संदेश जो है ऐसे कैंपेन के माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, आप भी मीडिया के थ्रू ये संदेश बच्चों के पहुँचाएँ। और ये क्योंकि एक हर साल जो है इस तरह का जो है एक महीना पूरा मनाया जाएगा, तो हम देखेंगे कि एक कुछ सालों में डेफिनेटली इसके अच्छे खूब रिजल्ट आएंगे। और अगर इसकी वजह से हमारे जो रोड एक्सीडेंट्स का आंकड़ा हम कम कर पाए, और अगर हम एक बिहेवियर आस्पेक्ट जो हमने खासकर रोड में चेंज करना है वो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम खुद भी जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि सबसे पहला अधिकार जो है इस रोड पर चलने का मेरा है, तो इसलिए हम हर एक सामने वाले